प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने 10th क्लास वाले सभी बच्चों को बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जब प्रोग्राम में टॉपिक पढ़ा था यकृत के कार्य और गुदे के कार्य। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि गुदे दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, गुदे दाब क्या होता है। तो अब हम बताएंगे कि गुदे दाब जो होता है हमारे शरीर में वो कैसे चलता है। अब हम बता सकते हैं कि रक्त प्रवाह के समय, रक्त जैसे ही हमारी खोड़ी में प्रवाह करता है, बहता है, तो उसके साथ क्या होता है कि धमनियों में जिस दबाव के साथ रक्त बहता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो चीजें पाई जाती है, धमनी पाई जाती है, दूसरी सीधा। तो रक्त प्रवाह के समय धमनियों में रक्त जिस दबाव के साथ बहता है, यानी कि जो हमारी धमनियां हैं उनमें रक्त जिस दबाव के साथ बहता है उसे हम क्या कहते हैं, गुदे दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जो गुदे दाब होता है हमारा, वो हमारे शरीर के अंदर जो मतलब संकुचन के समय धमनियां होती हैं धमनियों में भेजता है, यानी कि जो धमनियां होती हैं उनमें लगातार रक्त नहीं बहता है, प्रेशर के साथ झटके के साथ रक्त बहता है। अर्थात हम बता सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर दो पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें वो रक्त बहता है। तो धमनी क्या करती है, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, जो हमारी धमनी होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है और सीनाओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी होती है वो हमारे हृदय के अंदर से रक्त को कहाँ लेके जाती है, अंगों की ओर लेके जाती है, जबकि जो सीरा होती है वो अशुद्ध रक्त कहाँ में लाती है, हृदय में लाती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सीरा होती है वो हमारे अंगों से रक्त कहाँ लाती है, हृदय की ओर, अर्थात उनके अंदर कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। और जो धमनियां होती है वो शुद्ध रक्त को हमारे हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है। उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा रक्त दाब या गुदे दाब मापने का जो यंत्र होता है वो कौन होता है, सिग्नोमैनोमीटर, सिग्नोमैनोमीटर, यानी कि जो हमारा रक्त दाब मापने का यंत्र है वो है सिग्नोमैनोमीटर, ये बात। उसके बाद आते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त दाब होता है वो दो तरह होता है, तो प्रेगुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है और एक अनुशीतलन दाब होता है वो हमारा 80 mmHg होता है। दो प्रकार के सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक टेम्परेचर, दो प्रकार के ब्लड प्रेशर पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जो मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 mmHg होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो संकुचन होता है, संकुचन के समय ही जो धमनियां होती है उनमें रक्त भेजता है, यानी कि संकुचन के समय ही धमनियों में रक्त भेजता है कौन, हृदय। जो हमारा हृदय होता है वो क्या करता है, संकुचन के समय धमनियों में रक्त भेजता है। तो जो धमनियां होती है वो लगातार रक्त को हार्ट से लेती रहती है और लेने के बाद में हमारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब ब्लड प्रेशर को कैसे मापते हैं, सबसे पहले जो हमारा सिग्नोमैनोमीटर है इसे हम क्या करते हैं, बाजू पर लपेट लेते हैं, लपेटने के बाद जो इसकी स्टॉप वॉच होती है उसे स्टॉप कर लेते हैं। फिर एयर पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, एयर पंप के द्वारा एयर प्रेशर के साथ भरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसे छोड़ते हैं और नर्व्स पकड़ लेते हैं एक हाथ से। जब हम देखते हैं कि जो हमारा एयर प्रेशर कम होता जाता है तो ये देखना है कि कब आकर हमारी नर्व्स जो है वो गति करना शुरू कर देती है, जिस पॉइंट पे आकर भी हमारी नर्व्स गति करना शुरू कर देती है तो मानो कि हमारा ब्लड प्रेशर उस समय उतना ही होता है। अब एक बात और बताइए कि जो 60 वर्ष के व्यक्ति होते हैं या उससे अधिक व्यक्ति होते हैं उनमें लगातार ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता चला जाता है, लगातार घटता चला जाता है। अर्थात उनका ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, 140 और से 90 mmHg के करीब हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि लगातार हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो एज घटने के साथ, एज बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी लगातार कम होता चला जाता है। अब उसके साथ क्या होता है कि जो हमारी रुधिर दाब की जो कार्य करने की गति होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो हमारे हृदय के ऊपर निर्भर करती है। हृदय जिस प्रकार की गति करता है उसी प्रकार हमारा जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता रहता है, प्यूरिफाई होने के साथ साथ रक्त जो रुधिर दाब होता है वो घटता और बढ़ता रहता है। तो हृदय जो रुधिर दाब होता है वो हृदय के गति करने के ऊपर निर्भर करता है।